होमवर्क तो कल दिया ही कहाँ, कल तो क्लास वाले दिए थे, तो कल बोलना चाहिए था। हाँ, सेकंड क्वेश्चन बोलिए भाई, कॉस्ट वेरिएंस। हाँ, क्लास असाइनमेंट सेकंड क्वेश्चन था ना, कॉस्ट वेरिएंस 9000 क्या, एडवर्ड्स प्राइस 5000, हाँ यूसेज, और यही मिक्स भी है। थर्ड क्वेश्चन, कॉस्ट वेरिएंस 1024, एडवर्ड्स प्राइस 792, एडवर्ड्स यूसेज 232, एडवर्ड्स मेक्स 144, एंड यील्ड 88। फोर्थ क्वेश्चन, फॉर एवरी 100 केजीज 118, सिक्स जीरो एडवर्ड्स 6.67 और क्या एडवर्ड्स 53.33 एडवर्ड्स। फिफ्थ क्वेश्चन, 220 एडवर्ड्स 17 फेवरेबल 395 एडवर्ड्स फेवरेबल 450, ठीक है। हाँ जी, ये सब मिल गए। चलो, कौन सा कौन सा, क्या हो गया उसमें बोलो। इसमें वो राउंडिंग ऑफ की प्रॉब्लम थी क्या, इसमें सिक्स क्वेश्चन में? सिक्स इसमें राउंडिंग ऑफ था तो एग्जैक्टली आपने एक और होमवर्क में दिया होगा ना, कल सेवन नहीं दिया था क्या? ओह नहीं दिया, कोई बात नहीं, आज लिख लो अपने, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। चलो, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन। So, standard costing, the first area of application is material cost. और material cost का nature याद रखिएगा variable होता है। Variable cost का मतलब क्या है कि it varies with output production. Means जो standard allow किया जाता है, production manager मेहनत भले ही कितनी कर ले, उसके सामने जो standard allowed होगा वो उतना ही होगा जितना उसने output generate करके दिया। Input से कोई लेना देना नहीं है, मेहनत से कोई लेना देना नहीं, it is finally the output, उसी के बराबर standard allow किया जाएगा और फिर actual से compare किया जाएगा। Variance favorable adverse का rule simple है, actual cost अगर ज़्यादा है तो adverse, actual अगर कम है तो favorable। और पांच वेरियंसेज अपन ने निकाले, कॉस्ट वेरियंस, प्राइस, यूसेज, मिक्स एंड यील्ड। नाउ द सेकंड कंपोनेंट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एप्लीकेशन इज लेबर कॉस्ट। लेबर भी मटेरियल की तरह क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल कॉस्ट ही है, फिक्स कॉस्ट तो है नहीं। और लेबर भी जब वेरिएबल है तो ऑब्वियसली उसमें भी जब हम वेरिएंस का कैलकुलेशन शुरू करेंगे, सबसे पहला काम अपना यही रहेगा, स्टैंडर्ड जो दिया है, एक्चुअल जो दिया है,
क्या वो सेम क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब अगेन आउटपुट से मतलब है, इनपुट से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, मटेरियल में इनपुट तो किस में था, केजीज, लीटर, मीटर। लेबर में इनपुट किस में होगा, आवर्स, कि लेबर ने इतने आवर्स काम किया, ये हुआ। कि मोस्टली वेजेस अपन मान के चलते हैं आवर्ली बेसिस पे होती है, हाँ कहीं डे वेजेस भी हो सकती है, वीकली वेजेस भी हो सकती है। तो कुल मिला के जो भी हो, मेजरमेंट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ टाइम। वो टाइम आवर्स हो, मिनट्स हो, व्हाट्सो एवर, ठीक है, डेज हो, वीक्स हो। तो आप एक एग्जांपल से अपन शुरुआत करते हैं। सपोज अगेन कंपनी से इस प्रोडक्ट ए बनाने के लिए 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए नीड्स 5 आवर्स ऑफ वर्कर एंड द वेज रेट इज से ₹2 पर आवर, यानी कि स्टैंडर्ड कितना हो गया भाई, ₹10। यानी कि 1 यूनिट प्रोडक्ट का बनाने में 5 आवर्स लगते हैं एंड द रेट इज ₹2 पर आवर। आप ये स्टैंडर्ड हो गया, पर ध्यान दीजिएगा, ये ₹10 का स्टैंडर्ड जिसमें 5 आवर्स लगने चाहिए ₹2, ये वैलिड किसके लिए है, 1 यूनिट बनाने के लिए। अगर आपने 1 यूनिट के बजाय 10 यूनिट्स, 100 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स बनाए हैं, तो वो 1000 यूनिट्स बनाने पे जो मेरी लेबर कॉस्ट आई, मैं उसको इससे कंपेयर नहीं कर सकता। रीज़न, ये कब तक वैलिड है, 1 यूनिट। 2 यूनिट बनाओगे तो 5 नहीं, कितने आवर्स लगने चाहिए, 10 आवर्स। रेट ऑफ कॉस्ट ₹2, कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ₹20। 3 यूनिट होने पर कितना हो जाएगा, ₹30, एंड सो ऑन। तो मान लीजिए एक्चुअल में वी मैन्युफैक्चर्ड 1000 यूनिट्स, तो 1000 यूनिट्स अगर मैंने बनाए हैं तो उसकी जो भी कॉस्ट लगी होगी उसको मैं इस ₹10 से कंपेयर नहीं कर सकता। लॉजिक वही कौन सा वाला हो गया, मटेरियल वाला। तो मान लीजिए 1000 यूनिट्स बनाने में वर्कर को 5200 आवर्स लगे एट द रेट ऑफ से ₹2.5, ये मेरी एक्चुअल वेजेस आ जाएगी। तो आप, मैं इस अमाउंट को इससे कंपेयर नहीं कर सकता। रीज़न क्या फ़र्क है भाई, हाँ ये 5 आवर्स का है और ये 5200 आवर्स का है, ये देखना है, ये नहीं देखना है, इनपुट नहीं देखना। देखिए मटेरियल में इनपुट क्या था, केजीज, लीटर, मीटर, यहाँ पे क्या है, आर्स। तो आपको ये तो कभी देखना ही नहीं है, आपको क्या चेक करना है, 1000 यूनिट्स, एंड दिस इज 1 यूनिट। आप कहेंगे दिस इज़ नॉट कंपेरेबल। तो अगर ये 1 यूनिट का स्टैंडर्ड है, 1 यूनिट के लिए अगर ₹10 अलाउड है, अगर वर्कर, प्रोडक्शन मैनेजर 1000 यूनिट बना करके देता है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड कितना अलाउड होगा, 1000 × ₹10। ओके, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, वही रिवाइज स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। और रिवाइज स्टैंडर्ड किसके लिए बनेगा, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल प्रोडक्शन, 1000 यूनिट्स। हाँ, 1000 यूनिट्स में कितने आवर्स लगने चाहिए भाई, 5000 आवर्स एट द रेट ऑफ ₹2, इट कम्स टू 10,000। एक्चुअल कितना लगा भाई, मल्टीप्लाई करके निकालो, 5200 आवर्स × 2.5, 13,000। ना आई कैन से 1000 यूनिट्स फिनिश गुड्स का अगर मैन्युफैक्चरिंग हुआ, कॉस्ट शुड हैव बीन 15,000, लेकिन हमारी कॉस्ट कितनी लग गई, 13,000। कितने एक्स्ट्रा पैसे लग गए भाई, 3,000। मटेरियल में सबसे पहला वेरिएंस का नाम क्या था, कॉस्ट वेरिएंस। यहाँ पे भी नाम क्या है, कॉस्ट वेरिएंस, बस मटेरियल की जगह नाम लेबर कॉस्ट वेरिएंस। आई से स्टैंडर्ड कॉस्ट वॉज 10,000, 10,000 में काम हो जाना चाहिए था, वी स्पेंड 13,000, 3,000 का एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो गया एडवर्स। ओके, सो दैट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सिंपल, सॉरी लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब ये कॉस्ट हमारी 10,000 से 13,000 क्यों हो गई, वाई दिस कॉस्ट इंक्रीज फ्रॉम 10,000 to 13,000, रीज़न क्या रहा। आप कहें 10,000 बना किससे था, 5,000 आवर्स और ₹2, ये 13,000 भी तो इन दो चीज़ों से ही बना है। अगर आवर्स 5,000 के 5,000 ही रहते, रेट ₹2 की ₹2 ही रहती, तो ये हमारा कॉस्ट चेंज नहीं होता। तो चेंज होने का कारण ये दो ही कंपोनेंट चेंज हुए हैं, एक हमारे वर्कर्स के आर्स चेंज हुए, एक उनका रेट ऑफ पेमेंट चेंज हुआ। तो अब इसके दो कंपोनेंट हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वन इज, हाँ मटेरियल में क्या था जी, प्राइस वेरिएंस, यहाँ उसका थोड़ा सा नाम चेंज किया, हाँ बिकॉज वी डोंट परचेज वर्कर्स, वी हायर द वर्कर्स। टेक्निकली आप कहेंगे अंग्रेजी के हिसाब से सही नाम, प्राइस थोड़ा
ऑफेंडेड लगेगा, वी हैव द रेट वेरियंस, वर्कर्स की रेट में क्या चेंज हुआ, तो आप कहेंगे रेट वॉज 2 रुपीज बट रेट इज़ नाउ 2.5 रुपीज़. आप कहेंगे 2 रुपीज़ के बजाय वी पेड फॉर 2.5 रुपीज़. हाउ मैनी आवर्स वी पेड, ये 2.5 रुपया कितने आवर्स के लिए आपने पे किया, हाँ एक्चुअल आवर्स विच इज़ 5,200. तो आप कहेंगे 5,200 आवर्स तक मैंने 50 पैसा एक्स्ट्रा दिया, इट कम्स टू 2,600 एडवर्स. सेम वही मटेरियल प्राइस वेरियंस, कोई फ़र्क नहीं. मटेरियल प्राइस में क्या था, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, मल्टीप्लाई किससे करते थे, एक्चुअल क्वांटिटी. यहाँ पे भी वही है, आई से स्टैंडर्ड रेट, हाँ प्राइस के बजाय वर्ड क्या कर दिया, रेट, माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाई कौन से आर्स, एक्चुअल आर्स. वहाँ क्या था, एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ एक्चुअल आर्स. सेम लॉजिक, बस सिर्फ नाम चेंज हुआ है. मैंने इसीलिए कहा था कल भी, बस मटेरियल वाला वेरियंस दिमाग में अच्छे से फिट हो गया, तो अभी मटेरियल के साथ लेबर भी ऐसे ही चलेगा. वेरिएबल ओवरहेड्स और आसान है, फिक्स्ड ओवरहेड्स थोड़ा सा लगे. ओके हाँ, फिर अपने मटेरियल में कौन सा वेरियंस था भाई, यूसेज वेरियंस. यहाँ अब यूसेज वेरियंस का मतलब तो क्या होता है कि 100 किलो यूज़ कर लिया, 200 किलो यूज़ कर लिया, जबकि 50 किलो ही करना चाहिए था. अब लेबर को अपन ने यूज़ तो किया नहीं, ये तो है ना, एक मशीन में 100 आदमी डाले, 80 रह गए, 100 डालने चाहिए थे, नथिंग लाइक दैट. सो वर्कर सिर्फ अपना टाइम देता है. ओके तो वी हैव अनदर नेम कॉल्ड एज एज वर्कर्स, दैट इज लेबर एफिशिएंसी वेरियंस. हाँ, इसको कभी कभार टाइम वेरियंस भी कहा जाता है. हाँ, वर्कर की एफिशिएंसी. ओके स्पीड में ही तो फर्क हुआ, जो काम 5000 आवर्स में होना चाहिए था, आप कहेंगे उसमें 5200 आवर्स लग गए, हमने 200 आवर्स एक्स्ट्रा लगा दिए. मींस वर्कर्स वर इनएफिशिएंट टू द एक्सटेंट ऑफ 200 आवर्स, और ये टाइम कम लगाया था, आप कहेंगे एक्स्ट्रा एफिशिएंट. तो यहाँ पर विल से 5000 आवर्स का जॉब था, वी टूक 5200 आवर्स, 200 घंटे ज़्यादा लग गए, मल्टीप्लाइड बाई रेट कौन सी लूँ भाई, मटेरियल में कौन सी थी स्टैंडर्ड, यहाँ पे भी वही स्टैंडर्ड 2 रुपीज़, इट कम्स टू 400 एडवर्स. बस सिर्फ नाम चेंज हुआ है, वेरियंस का लॉजिक जो है सेम मटेरियल वाला ही है, नथिंग डिफरेंट. ओके अब इस एग्जांपल में तो एक ही वर्कर है. अगर कोई प्रोडक्ट बनाने में 2 या 2 से ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत हो, सपोज़ स्किल्ड आदमी भी चाहिए, सेमी स्किल्ड भी चाहिए, अनस्किल्ड भी चाहिए, 1 से ज़्यादा तरह के वर्कर आते ही, हाँ क्या शुरुआत हो जाएगी भाई, मिक्स वेरियंस, कंपोजिशन चेंज हुआ. तो इसके 2 कंपोनेंट क्वेश्चंस में मिलेंगे आपको, अगर 1 से ज़्यादा वर्कर है, कौन सा, मिक्स वेरियंस. हाँ ये नाम भी सेम है, और वेरियंस का कैलकुलेशन भी वही मटेरियल वाला है, नथिंग डिफरेंट. और फिर मटेरियल में अपने लास्ट में क्या था भाई, यील्ड वेरियंस. यील्ड का मतलब तो यही होता था आउटपुट, यहाँ पे वो नाम तो यूज़ ही नहीं कर सकता. तो हम एफिशिएंसी का सब पार्ट है, तो इसको सब एफिशिएंसी वेरियंस भी बोलते हैं. हाँ इंस्टीट्यूट ने तो इसका नाम यील्ड वेरियंस भी लिखा हुआ है, बट पर्सनली थोड़ा सा अजीब सा फील होता है यील्ड वेरियंस, बट व्हाटएवर इट मे बी, इसको आप यील्ड वेरियंस भी कह सकते हो. सेम वही रूल जो मटेरियल में लगा था, इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड मिक्स निकालना पड़ेगा, फिर एक्चुअल से कंपेयर करना पड़ेगा, इसमें टोटल से कंपेयर करेंगे. अब लेबर में एक एक्स्ट्रा वेरियंस और है. ओके हाँ वो किसी क्वेश्चन में आएगा, किसी में नहीं आएगा, डिपेंडिंग ऑन इफ इंफॉर्मेशन इज देयर इन द क्वेश्चन. और वो वेरियंस का नाम है आइडल टाइम वेरियंस. इसको समझिए, हमने देखा एक्चुअल में वर्कर्स ने 5200 आवर्स का पैसा लिया. अब हमने फर्दर इन्वेस्टिगेट किया, पता चला आउट ऑफ दिस 5200 आवर्स दे आर आइडल फॉर 50 आवर्स, 50 घंटे तक वो आइडल थे. हाँ अपन ये कौन से आइडल की बात कर रहे हैं, एबनॉर्मल आइडल टाइम. नॉर्मल आइडल टाइम तो मतलब ही नहीं है. अगर आपको लेबर वाला चैप्टर याद हो, लेबर वाले चैप्टर में अपन स्टैंडर्ड टाइम निकालने के कुछ 1-2 क्वेश्चंस किए थे,
कि 3-4 वर्कर्स को स्टडी किया जाता है कब कौन कितना टाइम लगा रहा है, फिर उसकी रेटिंग से मल्टीप्लाई करके नॉर्मल टाइम निकालते हैं, नॉर्मल टाइम निकाल के फिर उसमें क्या करते हैं नॉर्मल आइडल टाइम का अलाउंस ऐड करते हैं और फिर निकालते हैं कि एक यूनिट को कितना टाइम लगना चाहिए। ओके अभी वो अपन ने जॉब कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग वाला चैप्टर किया, उसमें भी एक क्वेश्चन किया था कि वर्कर को एक मैलेट मैलेट वाला क्वेश्चन था बनाने में इतना टाइम लगता है अनइंटरप्टेड, तो एक दिन में वो इतना मिनट कॉफ़ी ब्रेक ये लंच ब्रेक वो सब करके अपन नॉर्मल टाइम निकालते हैं। तो ये जो 5 आवर्स है ना कि एक यूनिट को बनाने में 5 आवर्स लगता है, दिस इंक्लूड्स नॉर्मल आइडल टाइम। हो सकता है काम करते हुए तो उसको 4.5 घंटे ही लगते हैं, पर अपन एक्स्ट्रा हाफ एन आवर किसका जोड़ रखा है, क्योंकि दिन भर 8 घंटे तो कंटिन्यूसली कोई काम करने वाला नहीं है, ठीक है, ब्रेक लेगा ये करेगा वो करेगा, तो ये जो 5 आवर्स है इसमें नॉर्मल आइडल टाइम तो इंक्लूडेड है। बट अगर किसी रीजन से एबनॉर्मल आइडल टाइम आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ मशीन ब्रेक डाउन, अब मशीन बंद हो गई तो वर्कर बैठा है, हाँ पैसे लेगा कि नहीं लेगा, पैसे तो देने ही पड़ेंगे उसको, तो ये तो पेड आवर्स है पैसा देना ही पड़ेगा, ठीक है, पावर फेलियर हो गया, रॉ मटेरियल नहीं है, कुछ भी गड़बड़ हो गई, ठीक है, एबनॉर्मल आइडल टाइम का मतलब याद रखिएगा दीज आर दोज पेड आवर्स। हाँ याद रखिएगा वर्कर फैक्ट्री में 8 घंटे रहता है, बाकी के 16 घंटे भी तो आइडल ही है, 24 घंटे होते हैं ना दिन में। ओके आप कहेंगे 16 घंटे पे टाइडल है वो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, मुझे उसका पैसा नहीं देना है, बट वो मेरी फैक्ट्री में जितने आवर्स तक है मुझे उसका पेमेंट करना है, उसमें अगर काम नहीं हो रहा है मींस दैट इज एन एबनॉर्मल आइडल टाइम, मींस इट इज पेड आवर्स जिनका कोई प्रोडक्टिव यूज नहीं है। तो वर्कर पैसे तो ले जाएगा ही, वो कहेगा पैसा तो दो भाई, मशीन ब्रेक डाउन हो गई मेरी क्या गलती है, पावर फेलियर है, मटेरियल नहीं है, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है, ही हैज़ टू बी पेड। तो नाउ अंडरस्टैंड इफ देर आर एनी आवर्स फॉर विच ही वॉज आइडल, तो वो आइडल टाइम का अलग से वेरियंस निकाल लेते हैं। हाँ वेरियंस का फॉर्मूला हमेशा आप कहेंगे स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, नाउ एबनॉर्मल आइडल टाइम का स्टैंडर्ड क्या होगा भाई, एबनॉर्मल आइडल टाइम का स्टैंडर्ड क्या होगा, 0। एबनॉर्मल आइडल टाइम का स्टैंडर्ड थोड़ी होता है कि हमने सोच रखा था 10 घंटे तो मशीन खराब होगी, अरे काहे का सोच रखा था, अगर सोच रखा था तो वो एबनॉर्मल नहीं है, फिर वो क्या है, नॉर्मल है। तो अब एबनॉर्मल आइडल टाइम में आप कहेंगे कि स्टैंडर्ड इज 0, एक्चुअल कितने आवर्स आइडल था, 50 आवर्स मल्टीप्लाइड बाई रेट कौन सी लूँ भाई, स्टैंडर्ड। आप ये एक्चुअल क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने 5200 आवर्स लिए ये कौन से वाले आवर्स हैं, पेड आवर्स, इसमें 50 घंटे भी क्या है इंक्लूडेड है, उस 50 घंटे का 50 पैसे इसके अंदर आ गया, अब तो बचे 2 रुपये ही लेने हैं, इसलिए रेट स्टैंडर्ड ही होगी। हाँ इसमें एक आराम है एडवर्स ही होना है, फेवरेबल का तो चांस ही नहीं। आप कहेंगे ये निकाल दिया तो फिर ये मैच कैसे होगा, मैच नहीं हो रहा है ना, अब तो ये 3000 था, ये 2600, ये 100, ये 400, क्या करूँ क्या चेंज करूँ मैं, मैच तो नहीं हो रहा है। हाँ बोले यस, ये अब एफिशिएंसी वेरियंस, नाम क्या है इसका, एफिशिएंसी। अपन क्या चेक कर रहे हैं कि वर्कर एफिशिएंट था कि नहीं था, ठीक है। तो अब किसी की अगर एफिशिएंसी जज करनी हो, जैसे मैंने आपको होमवर्क दिया है 5 क्वेश्चन 2 घंटे में हो जाने चाहिए, दिस इज स्टैंडर्ड टाइम अलाउड, अब आपने कहा मेरे को 3 घंटे लग गए, तो आप कह सकते हो यू आर इनएफिशिएंट फॉर 1 आवर, 2 घंटे का काम 3 घंटे में किया, पर आपने कहा वो 3 घंटे इसलिए लगे क्योंकि 20 मिनट तो लाइट गई हुई थी, ठीक है, तो हम करते कैसे काम, तो अब उसमें यू कैनॉट से कि यू आर इनएफिशिएंट फॉर 1 आवर। आप कहेंगे 20 मिनट वॉज एबनॉर्मल आइडल टाइम, इनएफिशिएंसी, तो अब आप कहोगे कि बचे हुए जो जितने 40 मिनट बचे हैं वही इनएफिशिएंसी में काउंट होगा। तो एफिशिएंसी वेरियंस निकालते वक्त आई विल नॉट टेक पेड आवर्स, रादर आई विल टेक वर्क आवर्स विच इज 5150 ही होगा, 50 घंटे आपने का आइडल टाइम था, तो ये तो पेड आवर्स हैं, ध्यान दीजिए उसमें से इतना आवर्स आइडल था तो उसने काम कितने घंटे किया, 5150 आवर्स। ओके बी वेरी क्लियर, एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी का इवेल्युएशन तो ऑब्वियसली वर्किंग से ही होगा, कि कोई आदमी एफिशिएंट था कि इनएफिशिएंट था उसका कंपैरिजन तो हमेशा उसने कितने घंटे में वो काम कंप्लीट किया वर्किंग करते हुए वही देखा जाएगा। तो इट विल बी, अगर मैं फॉर्मूले की बात करें तो अपने वही स्टैंडर्ड आवर्स, वहाँ पे क्या था,
standard quantity minus actual quantity या standard hours minus actual hours, कौन से वाले? Worked वाले multiplied by standard rate. ओके, तो नाउ ये आपको 400 के बजाय इधर आंसर कितना आएगा? 300, और ये अपने आप मैच हो जाएगा. क्लियर? तो ये एफिशिएंसी वेरिएंस में कौन से आर्स होंगे? आर्स वर्कड. और इस कारण से ये मिक्स और सब एफिशिएंसी में भी जो एक्चुअल आर्स होंगे वो कौन से वाले होंगे? वर्कड वाले. इसको ऐसे समझ सकते हो, एक बार आइडियल टाइम वेरियंस निकाल दिया, अब आपके एक्चुअल आवर्स पेड में से वो 50 घंटे अलग हो गए, तो अब आपके पास आवर्स जो बचे हैं वो कौन से वाले बचे हैं? वर्कड वाले. तो इसलिए इन सब में वेरिएंस में कौन से वाले आवर्स काम आएंगे? आवर्स वर्कड. ओके, क्लियर? तो ये एक एक्स्ट्रा वेरिएंस है आइडल टाइम, लेकिन ये तभी निकलेगा, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस में निकलेगा जहां आइडल टाइम दिया हो. अब ये मत कह देना अच्छा अच्छा 5000 की जगह 5200, ओके 200 घंटे आइडल रहा होगा बेचारा. नो नो, वो इनएफिशिएंसी मानी जाएगी. ये नहीं, वो तो आइडल टाइम रह गया होगा. नो, अगर टाइम ज़्यादा लगा है बाय डिफॉल्ट एफिशिएंसी. आइडल टाइम तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कर सकते हैं? कंसिडर कर सकते हैं. देखिए क्वेश्चन 6, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कंप्यूट लेबर कॉस्ट वेरिएंस. स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, सॉरी स्किल्ड मैन, स्किल्ड वुमेन, अनस्किल्ड, तो तीन कैटेगरी ऑफ वर्कर्स हैं. स्टैंडर्ड डाटा जो दिया है वो कितने यूनिट्स का दिया है भाई? 500 यूनिट्स. मीन्स 500 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स बनाने के लिए यू नीड टू वर्क फॉर 300, 120, 180 आवर्स, 600, रेट 3:1, टोटल कॉस्ट 1320. एक्चुअल डाटा इज फॉर 600 यूनिट्स. हाँ, तो स्टैंडर्ड तो दिया है 500 यूनिट बनाने के लिए ये होना चाहिए, बनाए उन्होंने 600 है, तो आप कहेंगे स्टैंडर्ड वाला तो कोई काम का नहीं, इसको हमको क्या करना पड़ेगा? 600 के लिए रिवाइज करना पड़ेगा. अच्छा, 500 से 600 मतलब 1.2 टाइम्स. आर्स रेट टोटल, दैट्स ऑल. तो अब इस क्वेश्चन में वो आइडल टाइम नाम का तो चीज़ दिया नहीं है. आइडल टाइम नहीं है तो हम आइडल टाइम वेरियंस नहीं निकालेंगे, तो फिर पांच ही वेरियंस निकलने. और जिस क्वेश्चन में आइडल टाइम दिए हो 6 वेरियंस हो जाएंगे. वर्कर एक ही हो तो 3 या 4 वेरियंस. 3 का जब आइडल टाइम नहीं, आइडल टाइम है तो 4 वेरियंस निकलेंगे. ओके, तो अब शुरू करिए. प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट, लिसन, सेम वही मटेरियल वाला सिस्टम, गिवन स्टैंडर्ड, रिवाइज एंड एक्चुअल्स. ओके, सो वी स्टार्ट विद दैट. गिवन स्टैंडर्ड क्वेश्चन में आपको 500 यूनिट्स बनाने के लिए दिया है. टाइप ऑफ वर्कर्स, देर इज स्किल्ड मैन, वुमेन एंड अनस्किल्ड. आर्स एंड रेट. सो 500 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स नीड्स 300 आर्स, 120 आर्स, 180 आर्स, 600 आर्स एट द रेट ऑफ 3:1. इसमें एक आराम और है, वो इनपुट लेस लॉस आउटपुट वाला झगड़ा ही नहीं. ये था नहीं, वर्कर सुबह फैक्ट्री में 100 जने घुसे, बाहर शाम को 80 जने ही आए. ओके, तो रिवाइज स्टैंडर्ड किसके लिए बनता है भाई? एक्चुअल आउटपुट विच इज 600 यूनिट्स. आर्स रेट एंड टोटल.
sorry, 360, 144, 216, 720, rate 3, 2 and 1, 15, 8, 4. Actual hours were 2, 4, 8, 93, 279, rate was 4, 1.5 and 1. Total hours 620, total wages 1410.5. फिनिश्ड लिया हाँ जी. देखिए गिवन स्टैंडर्ड आप नहीं भी बनाओ तो भी चलेगा, बट व्हाई आई प्रिफर इज कि ये वाला आपको क्वेश्चंस एज इट इज कॉपी करना रहता है, फिर यहाँ पे आता आता मल्टीप्लाई करके लिखने में थोड़ी गलती का चांस कम रहता है. अदरवाइज आप क्वेश्चन से भी ये फिगर देख के सीधा ये मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, ठीक है. वो गिवन स्टैंडर्ड बनाना कोई कंपल्सन नहीं है, ये नहीं कि कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि सोल्यूशन इसी तरह से होना चाहिए, नो नथिंग लाइक दैट. ओके वेरियंसेस. फर्स्ट वन, लेबर कॉस्ट वेरियंस. फॉर्मूला सो लेबर कॉस्ट वेरियंस. हाँ फॉर्मूला बोलो भाई क्या है. स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट. आप कहेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट 600 यूनिट्स बनाने के लिए कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए थी. 1584 रुपीस. वी स्पेंड 1410.5, ठीक है. वर्कर्स को पैसे कम दिए, ठीक है, शोषण किया फेवरेबल. हाँ जी 173.5 फेवरेबल. फाइनेंशियल टर्म्स में तो फेवरेबल ही है. लेबर हाँ मटेरियल में याद रखिएगा प्राइस नाम था, यहाँ पे नाम क्या है रेट वेरिएंस. हाँ फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आर्स, कैपिटल लेटर में लिखिएगा उसके आगे पेड. हाँ इस क्वेश्चन में खैर पेड और वर्क सेम ही है, अदरवाइज एक्चुअल आर्स पेड. हाँ नाउ स्किल्ड मैन स्टैंडर्ड रेट वॉज 3 रुपीज, वी पेड दैम एट द रेट ऑफ 4 रुपीज इन टू 248 आवर्स, विल से 248 एडवर्स. स्किल्ड वुमेन स्टैंडर्ड रेट वॉज 2 रुपीज, वी पेड 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 46.5 फेवरेबल. अनस्किल्ड हाँ 1 रुपी के बदले में 1 रुपी ही दिया है. हाँ नो चेंज निल ओवरऑल. .5 एडवर्स. देन ना उसके बाद आइडल टाइम वेरियंस निकालना होता है. इस क्वेश्चन में है ही नहीं आइडल टाइम, तो अब सीधा कौन सा निकलेगा भाई. लेबर एफिशिएंसी वेरियंस. एफिशिएंसी वेरियंस जस्ट लाइक मटेरियल यूसेज वेरियंस. हाँ वहाँ क्वांटिटी का डिफरेंस था, यहाँ आर्स. सो स्टैंडर्ड आर्स माइनस
एक्चुअल आर्स कौन से वाले लेने होते हैं भाई? इसके अंदर वर्कड वाले मल्टीप्लाइड बाई रेट, कौन सी वाली? स्टैंडर्ड रेट. अगेन मेन वुमेन अनस्किल्ड. सो मेन 360 आवर्स में ये काम करना चाहिए था, उनको 248 आवर्स ही दिए हमने, मीन्स कम टाइम में काम करवा लिया, फेवरेबल. वुमेन 144 आवर्स दे वर सपोज टू वर्क, दे वर्कड ओनली फॉर 93 आवर्स इनटू 2 रुपीस, ये भी फेवरेबल. और लास्ट में अनस्किल्ड 216 आवर्स के बदले में 279 आवर्स, हाँ इनके आवर्स बढ़ गए, दिस इज एडवर्स. हाँ जी, ओवरऑल 375 फेवरेबल. हाँ भाई, ठीक है भाई, बराबर. अब नेक्स्ट कम्स अप इज, हाँ, एफिशिएंसी के बाद में नेक्स्ट अपने आ जाएगा लेबर, कौन सा वाला? मिक्स वेरिएंस. यस, मिक्स वेरिएंस. मिक्स वेरिएंस का लॉजिक क्या है? मिक्स में डिफरेंस, मटेरियल में मिक्स का मतलब क्या था? कौन से रॉ मटेरियल की जगह कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ कर लिया. और मिक्स में याद ही होगा आपको, एक अगर मिक्स बढ़ता है तो दूसरे का कम होगा. लेबर मिक्स का मतलब किस वर्कर का काम किस वर्कर से करवा दिया, मीन स्किल्ड का काम अनस्किल्ड से करा दिया, सेमी स्किल्ड से करा दिया. हाँ, इससे फ़र्क क्या पड़ता है? सबकी वेज रेट अलग अलग है तो ओवरऑल पैसों में फ़र्क पड़ेगा. हाँ, मिक्स वेरिएंस के लिए सबसे पहले अपन क्या कैलकुलेट करते हैं भाई? स्टैंडर्ड मिक्स. हाँ, मटेरियल में स्टैंडर्ड मिक्स किसके लिए यू निकालते थे? एक्चुअल क्वांटिटी के लिए. यहाँ पर भी आप कहेंगे स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल आर्स. हाँ, आर्स कौन से वाले? वर्कड वाले. तो आप कहेंगे एक्चुअल आवर्स वर्कड ये रहे 620 आवर्स. अगर 620 घंटे काम किया गया है, हाँ, वो किस रेशियो में होना चाहिए था? यू विल से 30:12:18. हाँ, देखिए आप ये वाला रेशियो ले हो चाहे ये वाला ले हो, एक ही है. हाँ, ये मत सोचना दोनों अलग अलग है, रेशियो इज सेम. तो फर्स्ट इज स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल आवर्स वर्कड, विल से मैन वुमेन अनस्किल्ड. अगर 620 आवर्स वर्क होता है तो मेन के आवर्स उसमें आप कहेंगे 600 में से 300 आवर्स होते हैं तो इसमें 310 होना चाहिए. हाँ, वुमेन 120 अपॉन 600, 124. और अनस्किल्ड का 180 आवर्स का कंपोजिशन है 600 में, तो 620 में 186 आवर्स. बी पार्ट मिक्स वेरिएंस. हाँ, मिक्स वेरिएंस में हम क्या चेक करते हैं भाई? स्टैंडर्ड मिक्स को किससे कंपेयर करते हैं? एक्चुअल मिक्स. एक्चुअल मिक्स का मतलब एक्चुअल आवर्स वर्क मल्टीप्लाइड बाय रेट, कौन सी? स्टैंडर्ड रेट. तो अगेन मेन वुमेन अनस्किल्ड. स्टैंडर्ड मिक्स 310 आवर्स, बट ही एक्चुअली वर्कड फॉर 240 आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट 3. वुमेन 124 आवर्स के बदले में 93 आवर्स ही वर्क किया इंटू 2 रुपीस. अनस्किल्ड 186 के बजाय 279 आवर्स हो गए इंटू 1. ना देखिए, मेन के भी आवर्स कम हुए, वुमेन के भी कम हुए, और उतना ही किसका बड़ा होगा? अनस्किल्ड का. कारण इसकी टोटल भी कितनी है? 620. ये भी टोटल कौन सी है? 620. ओके, सो दिस इज फेवरेबल, फेवरेबल एंड एडवर्स. 155 फेवरेबल. अच्छा, फेवरेबल होना ही है क्योंकि आपने 3 और 2 रुपए वाले वर्कर का काम किससे करा लिया? 1 रुपए वाले से, तो पैसा बच गया, फेवरेबल. नेक्स्ट वेरिएंस वी हैव इज
labor, sub efficiency variance, या इसका दूसरा नाम yield variance भी है. इसमें तो सीधा स्टैंडर्ड टोटल आवर्स माइनस एक्चुअल टोटल आवर्स, कौन से वाले, वर्कड वाले, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट. तो स्टैंडर्ड टोटल आवर्स, आप कहेंगे 600 यूनिट्स बनाने के लिए टोटल कितना आवर्स लगना चाहिए था, 720 आवर्स, लेकिन हमने वो काम 620 आवर्स में ही कंप्लीट करा दिया, मीन्स वी सेव्ड 100 आवर्स. 100 घंटों का आप कहेंगे कितना पैसा लगता है, तो 720 आवर्स का कितना पैसा है भाई, 1584 रुपीस. तो 1584 अपॉन 720, 220 फेवरेबल. हाँ, क्रॉस चेक कर लीजिए भाई. सब एफिशिएंसी प्लस मिक्स शुड बी इक्वल टू एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी और रेट आपका कॉस्ट वेरिएंस. एक अटेम्प्ट में, दो में. वो से फाइनल में वही है, बस से फाइनल में, से फाइनल में जितना अपन ने मटेरियल किया ना वो एक दिन में करवाता हूँ, ठीक है. क्लास 8.5 घंटे की होती है. हाँ जी, विदाउट ब्रेक. आदत हो नहीं हो, रिक्वायरमेंट होती है क्या भाई, ठीक है. हाँ, यस, फिनिश्ड, अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओह देखो जोश आया जो. क्वेश्चन 7. सेवेंथ क्वेश्चन. X manufactures product X that requires 2 hours of skilled men, 3 hours of semi-skilled men, 5 hours of unskilled men per unit. हाँ, per unit word को underline कर दो. तो एक unit को बनाने में skilled के 2 hours, semi-skilled के 3 hours, 5 hours unskilled के, and the rate is 5, 3 and 2 per hour respectively. During April 19, the production department reported output of 5,000 units of product X. तो अप्रैल में production department ने 5,000 units का production किया. हाँ, actual output was 5,000. Standard आपको एक unit का दिया है, तो into 5,000 करना पड़ेगा. Labor cost incurred was skilled, semi-skilled, unskilled, hours paid for. ये इतने इतने hours का payment हुआ इस rate से. Next page, the total hours paid for included 1,000 idle hours due to machine breakdown, out of which 500 hours pertain to skilled men, 400 hours pertain to semi-skilled men, balance to unskilled men. Question says, वो जो 1,000 hours idle था, वो कौन कौन, कितने कितने hours idle थे? 500 hours तो skilled, 400 hours unskilled, तो sorry semi-skilled, तो unskilled कितने hours हो गए? 100 hours. Required, calculate labor cost variance. Second, recalculate the cost variance if breakup of 1,000 idle hours is not given. मतलब पहले तो आप निकाल लो, जब breakup है, एक 500 घंटे skilled था, 400 घंटे semi-skilled, 100 घंटे unskilled, variance निकाल लो. और अगर ये breakup हटा दें तो फिर वापस से निकाल लो. तो ठीक है, मतलब दो बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिया गया. आप कहीं breakup नहीं होगा तो फिर कैसे करेंगे, वो अभी समझेंगे. तो शुरू करो भाई. Now this question has additional information of idle time. Now given standard, we'll say एक unit का standard दिया है. Type of workers
skilled, semi-skilled, unskilled. 2 hours, 3 hours, 5 hours. यही दिया है. Rate is 5, 3 and 2. हाँ, क्वेश्चन लिखा है कंपनी एक्स प्रोडक्ट एक्स बनाती है और उसमें स्किल्ड के 2 आवर्स, सेमी स्किल्ड के 3 आवर्स, अनस्किल्ड के 5 घंटे लगते हैं पर यूनिट एट द रेट ऑफ 5, 3 and 2. हाँ, एक्चुअल में कितने यूनिट्स बनाए भाई? 5000 यूनिट्स. नाउ 5000 यूनिट्स अगर एक्चुअल में बनाए हैं, ठीक है, 5000 ही बनाए, एक्चुअल आउटपुट प्रोडक्शन फिनिश गुड्स 5000, क्वेश्चन स्टैंडर्ड दिया है एक यूनिट का. हाँ, 5000 का निकालना है तो सीधा 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर्स 10,000, 15,000, 25,000, टोटल 50,000. रेट इज 5, 3 and 2. ना एक्चुअल आवर्स, हाँ, स्किल्ड को हमने क्वेश्चन ने दिया कितने आवर्स के लिए पेमेंट किया? 9,000 आवर्स. सेमी स्किल्ड 17,000 आवर्स. अनस्किल्ड 30,000 आवर्स. टोटल हो गया 56,000 आवर्स एंड द रेट वॉज 2.75, 1.5, and you get the total. हाँ, ध्यान दीजिए, ये वाले जो आर्स हैं ये कौन से वाले आर्स है भाई? 9,000, 17,000, 30,000 एक्चुअल आर्स पेड है, क्योंकि ये तो पेड ही लेना पड़ेगा क्योंकि पैसा इतने इतने आर्स का दिया. हाँ, लेकिन अपने को एक और आर्स चाहिएंगे. कौन से वाले आर्स? वर्कड. यहाँ पे चाहिएगा, यहाँ पे भी वर्क चाहिएगा, इस एफिशिएंसी में भी कौन सा वाला चाहिएगा? वर्कड आर्स. सो यू नीड वर्कड आर्स एट सो मेनी प्लेसेस. तो बेटर है पहले अपन क्या करें कि एक्चुअल आर्स वर्कड भी निकाल लें. तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया. इसी के नीचे एक्चुअल hours worked, skilled, semi-skilled, unskilled. Skilled को देखिए 9,000 hours pay किया, 500 hours idle था, तो work कितना किया उसने? 8,500 hours. Semi-skilled 17,000 में से 400 hours idle था, work कितना किया? 16,600. Unskilled out of 30,000 hours, they were idle for 100 hours, so they worked for 29,900. ठीक है, भले टोटल ही लगा लो कि 56,000 hours पे किया, 1,000 घंटे वर्कर्स आइडल थे, काम कितने आवर्स हुआ है? 55,000 hours. ठीक है भाई, सो स्टार्ट कैलकुलेटिंग द वेरिएंसेस. सबसे पहला लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट. 5000 यूनिट्स 1,45,000 में बनने चाहिए थे, बट वी पेड 154,750. 9,750 ज़्यादा लग गया एडवर्स.
नेक्स्ट लेबर रेट वेरियंस. आगे चेंज होने का कारण एक तो रेट चेंज हुई, एक आर्स चेंज हुए, तो रेट वेरियंस स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाई. हाँ मैं पेड आर्स क्यों लेता हूँ भाई, एक्चुअल आर्स पेड क्यों लेने हैं यहाँ पर, क्योंकि जो आपने रेट में डिफरेंस किया वो जितने आर्स पे किया उस पर हुआ है. तो नाउ आई विल से अगेन थ्री टाइप ऑफ वर्कर, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड. हाँ स्किल्ड की रेट थी 5 rupees, वी पेड एट द रेट ऑफ 7. फॉर हाउ मैनी आर्स वी पेड? 9000 आर्स. कितना? 18000 एडवर्स. सेमी स्किल्ड की स्टैंडर्ड रेट थी 3, हमने 2.75 25 पैसे बचा लिए इंटू 17000 आर्स, 4250 फेवरेबल. अनस्किल्ड 2 rupees की जगह 1.5 rupees ही दिया, 50 पैसे बचाया. हाउ मैनी आर्स पेड? 30000, 15000 ये भी सेव हो गए. तो नेट 1250 फेवरेबल. ओके अब इस क्वेश्चन में नेक्स्ट तो एफिशिएंसी निकालते हैं, बट इस क्वेश्चन में आइडल टाइम भी है तो इसलिए पहला वेरियंस कौन सा निकलेगा? लेबर आइडल टाइम वेरियंस. हाँ आइडल टाइम वेरियंस का बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, कोई ज़्यादा झगड़ा नहीं, सीधा सीधा. स्टैंडर्ड तो ज़ीरो ही होता है, तो जब स्टैंडर्ड जीरो है तो मैं वेरियंस सीधा ये कह सकता हूँ एक्चुअल आइडल आर्स मल्टीप्लाइड बाई रेट. भाई स्टैंडर्ड तो हर बार जीरो ही ना है, अपन वैसे तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल. आइडल टाइम में स्टैंडर्ड क्या होगा? ज़ीरो. अब जब आइडल टाइम में स्टैंडर्ड जीरो है तो सीधा सीधा मैं कह सकता हूँ आइडल आर्स मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड रेट. तो लेबर आइडल टाइम वेरियंस, हाँ सीधा आइडल आर्स इंटू रेट कौन सी वाली? स्टैंडर्ड रेट. अगेन थ्री टाइप ऑफ वर्कर्स वी हैव, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड. स्किल्ड वर आइडल फॉर 500 आवर्स एट द रेट ऑफ 5, ये 400 आवर्स एट द रेट ऑफ 3 और 100 आवर्स एट द रेट ऑफ 1. कितना? 3900. हाँ इसमें फेवरेबल होने का कोई चांस ही नहीं, सारे ही एडवर्स ही होंगे. बोलो जी. हैं 5, 3 and 2 है, सॉरी. अच्छा स्टैंडर्ड रेट अनस्किल्ड वाले की 2 rupees. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज एफिशिएंसी वेरिएंस. हाँ एफिशिएंसी में आप कहेंगे वर्कर की एफिशिएंसी स्पीड चेक करनी है, भाई टाइम पे काम ख़त्म किया कि नहीं किया, तो आप कहेंगे टाइम चेक करना पड़ेगा. स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स कौन से वाले? वर्कड वाले इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर. सो नाउ आई हैव स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड. स्किल्ड 5000 यूनिट्स के लिए स्टैंडर्ड आवर्स वर 10000, सेमी स्किल्ड के लिए 15 थे, अनस्किल्ड के लिए 25 थे. हाँ इसके अगेंस्ट में एक्चुअल आवर्स, हाँ ध्यान दीजिए कौन से वाले चाहिए? वर्कड वाले. इसीलिए अपन ने पहले से तैयारी करके रखी कि भाई अपने को चाहिएगा. तो एक्चुअल आवर्स वर्कड वर 8500, 16600, 29900. दिस इनटू स्टैंडर्ड रेट 532. दिस इज फेवरेबल, एडवर्स, एडवर्स. सब मिला करके 7100. हाँ क्रॉस चेक करो भाई, रेट प्लस आइडल टाइम प्लस एफिशिएंसी ये तीनों मिलके मैच होने चाहिए. ओके
Now mixed variance. A part, standard mix for actual hours worked. आप कहेंगे तीनों ने मिलके 55,000 आवर्स वर्क किया. हाँ, अगर 55,000 आवर्स वर्क किया है, किस रेशियो में वर्क करना चाहिए था? 2:3:5. तो ए पार्ट स्टैंडर्ड मिक्स स्किल्ड सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड. तो 55,000 में ए का स्टैंडर्ड रेशियो 2:10 11,000 आवर्स. सेमी स्किल्ड 55,000 इंटू 3:10 16,500 आवर्स. और अनस्किल्ड 5:10 के हिसाब से इनका 27,500 आवर्स होना चाहिए था. तो अगर 55,000 आवर्स वर्क हुआ है, दे शुड हैव वर्कड इन दिस प्रपोर्शन. अब हम देख लेते हैं एक्चुअल में किस किस ने कितना कितना टाइम काम किया. तो बी पार्ट इज मिक्स वेरियंस. विल से स्किल्ड सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड. तो स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड मिक्स 11,000 16,500 एंड 27,500. उसके अगेंस्ट में एक्चुअल आवर्स. हाँ, एक्चुअल मिक्स का मतलब एक्चुअल आवर्स कौन से वाले हैं भाई? वर्कड वाले. याद रखिएगा, वो रहे अपने 8,500 16,600 29,900. हाँ, पेड आवर्स तो कहीं लेने ही नहीं है इस वाले वेरियंस में. पेड आवर्स एक बार काम आ गए, रेट वेरियंस उसके बाद कोई यूज़ नहीं. स्टैंडर्ड रेट 5, 3 एंड 2. हाँ, स्किल्ड के आवर्स कम हो गए, सेमी स्किल्ड के और अनस्किल्ड के बढ़ गए. मीन्स इफेक्टिवली कंपनी ने क्या किया है, स्किल्ड वर्कर्स वाला काम किससे करा लिया है? सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स से. हाँ जी, याद रखिएगा ये टोटल आवर्स हमेशा दोनों के क्या होते हैं? सेम. तो अगर स्टैंडर्ड मिक्स 55,000 आवर्स का है, तो एक्चुअल भी जो कंपेयर होना है वो कौन से वाले होने चाहिए? 55,000 आवर्स वर्कड. हाँ जी, हाउ मच यू गेट? 7,400 फेवरेबल. नाउ द लास्ट वन, एफिशिएंसी वेरिएंस. हाँ, एफिशिएंसी सब एफिशिएंसी. जस्ट लाइक मटेरियल यील्ड, हाउ कैन 5,000 यूनिट्स बनाए? इट वाज 50,000 टोटल आवर्स जॉब. पर वर्कर्स को काम करते हुए 55,000 आवर्स लग गए. ओके, तो जो काम 50,000 आवर्स में होना चाहिए था, दे फिनिश्ड इट व्हाइल वर्किंग 55,000 आवर्स. 5,000 आवर्स वेस्टेज. हाँ, रेट पर आर एवरेज वाली कितनी है? आप कहेंगे स्टैंडर्ड वाज 1,45,000 फॉर 50,000 आवर्स, सो इट कम्स टू 14,500 एडवर्स. Yes. हाँ भाई, खत्म हो गया. अब इसी क्वेश्चन को वापस से करना है. क्वेश्चन ने कहा है ना भाई कि वो ब्रेकअप ऑफ 1,000 आवर्स नहीं दिया हो तो वापस से करो. तो देखिए, नाम जरूर मटेरियल की जगह लेबर हो गया है, बट फ्लो ऑफ लॉजिक कैलकुलेशन का ब्रॉडली तरीका सेम है. बस यहाँ एक नया वेरिएंस आइडल टाइम वेरिएंस है. वहाँ मटेरियल केजी लीटर मीटर होता था, यहाँ आर्स की डिटेल होगी. और आर्स भी दो तरह के हो गए, एक पेड आर्स और एक वर्कड आर्स. पेड आर्स कहाँ काम आएंगे? सबसे पहले स्टैंडर्ड बनाने में. रेट वेरियंस में पेड आर्स है. उसके बाद हर जगह कौन से आर्स चाहिए? वर्कड आर्स. ओके, दैट इज़ वॉट नीड्स टू बी रिमेम्बर्ड.
नाउ बी पार्ट सेकेंड पार्ट जो भी है लिखो. इफ ब्रेकअप ऑफ 1000 आइडल आवर्स इज नॉट गिवन. क्वेश्चन से इज 1000 आइडल आवर्स में कौन कितने घंटे आइडल था वो नहीं पता है. मीन्स ये पता है कि 1000 आवर्स का आइडल टाइम था, पर उसमें से स्किल्ड कितने आवर्स आइडल था, सेमी स्किल्ड कितना था, अनस्किल्ड कितना था, दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट देयर. आगे वो नहीं है तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे. रीजन, जब तक ये इंडिविजुअली आपको पता नहीं हो ओके तब तक आइडल टाइम वेरियंस नहीं आना, ठीक है, और मिक्स भी नहीं आना, एफिशिएंसी भी नहीं आना. हाँ, सब एफिशिएंसी निकल जाएगा उसमें, तो 55,000 ही चाहिए वो तो है ही. तो समझिए मेरा कॉस्ट वेरियंस निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा, सब एफिशिएंसी निकल जाएगा. तीन वेरियंस में प्रॉब्लम हो जाएगी, एक तो आइडल टाइम वेरियंस, एफिशिएंसी वेरियंस एंड मिक्स वेरियंस. इसका मतलब ब्रेकअप तो चाहिए, विदाउट ब्रेकअप इट्स नॉट पॉसिबल. तो नाउ इफ ब्रेकअप इज नॉट गिवन, तो सुन लीजिए, विल ऑलवेज अज्यूम कि वर्कर्स वर आइडल इन स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ 2:3:5 आवर्स. तो अगर 1000 आवर्स आइडल थे तो 200 आवर्स कौन आइडल था, स्किल्ड, 300 आवर्स सेमी स्किल्ड, 500 आवर्स अनस्किल्ड. हाँ रुको रुको रुको, लिखवाऊंगा मैं, ठीक है. हाँ, सेकेंड पॉइंट लिख लिया, इफ ब्रेकअप इज नॉट गिवन, लिखो इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन. In absence of information, it is presumed that workers were idle in standard ratio. Workers were idle in standard ratio of 2:3:5 hours. That is 200 hours, 300 hours and 500 hours respectively. 200 hours, 300 hours, 500 hours respectively. हो गया. अब सुनिए, हाँ ये वाला वापस बनाने की ज़रूरत है क्या, ये तो वही रहेगा, बस एक ये वाला बना लेते हैं. तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड. Calculation of actual hours worked. तो ये तो paid hours हैं, ये idle hours हैं और ये worked hours change हो जाएंगे. अब इसके ना 8,816,729,500. हाँ total वही है 55, पर individually hours worked जो है वो change हो गए, ठीक है. अब वेरियंसेस निकालने, तो सुन लो भाई, एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दो बार कैलकुलेट करो तो दूसरी बार में मालूम है अपने को कॉस्ट वेरियंस, रेट वेरियंस, सब एफिशिएंसी सेम रहेगा, तो बस सीधा सा नोट डाल देंगे ये तीनों सेम रहेंगे, बाकी के तीन ये रहे. सो लिखो नोट, लेबर कॉस्ट वेरियंस, रेट वेरियंस एंड सब एफिशिएंसी वेरियंस, कॉस्ट वेरियंस, रेट वेरियंस एंड सब एफिशिएंसी वेरियंस विल रिमेन सेम. वो सेम रहने वाला है, विल रिमेन सेम एज इन पार्ट वन, एज इन पार्ट वन, ठीक है. वो सेम रहेंगे सो इसलिए कैलकुलेट नहीं किया. अब नेक्स्ट लिखो भाई, लेबर आइडल टाइम वेरियंस. हाँ ये तो निकालना ही पड़ेगा, लेबर आइडल टाइम वेरियंस. आइडल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट्स.
हाँ जी निकाल दिया नया एफिशिएंसी सॉरी आइडल टाइम कितना आया 2900 एडवर्स। तो देखिए ये वाला थोड़ा सा अमाउंट चेंज हो गया। हाँ एफिशिएंसी वापस से निकालो भाई। हाँ उसमें अभी ये आर जो पहले वाले थे ये सब चेंज होंगे एक्चुअल वाले। तो ये आंसर भी तो अभी यहाँ पे कौन से वाले आर्स आएंगे भाई 8000, 800, 16, 700, 29, 500 × 5, 3 and 2। हाँ आया भाई 8100 का नेक्स्ट मिक्स वेरिएंस। हाँ मिक्स में ध्यान दीजिए ये ए पार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्यों तो वही है सीधा वेरिएंस। हाँ वेरिएंस में ये वाले आर्स नहीं हो करके एक्चुअल आर्स चेंज हो जाएंगे 8800, 16, 700, 29, 500 दिस मल्टीप्लाइड बाय 5, 3 and 2। व्हाट यू विल फाइंड वो 1000 जो आइडल टाइम का डिफरेंस निकला पहले 3900 था 2900 हुआ उतना ही आपका एफिशिएंसी में इफेक्ट आया उतना ही आपका मिक्स में इफेक्ट आया। एफिशिएंसी के दो पार्ट है मिक्स और सब एफिशिएंसी। सब एफिशिएंसी तो हिलने वाला नहीं तो जितना एफिशिएंसी में चेंज होगा उतना ही मिक्स में चेंज होगा और एफिशिएंसी में कितना चेंज हो रहा है जितना आइडल टाइम में चेंज होना है क्योंकि जोड़ तो तभी मिलेगी ना। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया अभी तो बोल रहे थे ना नेक्स्ट ले ओवर हेड्स वाले बात। हाँ बस इतनी जल्दी हवा निकल गई। लिखो होमवर्क लिखो क्वेश्चन 8, 9, 10 और 12th, 8, 9, 10, 12th क्वेश्चन। सो